पढ़ते हम लोग सूत्रधारी कंपनी का समेकित चिट्ठा। ठीक है, तो 10 में मैं आपको दिखाता वीडियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 31 मार्च 2021 ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, पन्ना पलटता हूं मैं, बैलेंस शीट के बाद लिखा हुआ है यहां पे हिंदी में, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100 रुपए में 400 शेयर खरीद लिया। ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड 400 शेयर परचेज कर रहा है कितने में, 1,00,000 रुपए में, कब, 30 जुलाई 2020 को। ठीक है, इस समय बी लिमिटेड की पुस्तकों में सामान्य संचय जनरलाइज कितना था, 20,000, और लाभ हानि का क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस दिया है ना। ठीक है, आप यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है रिजर्व दिया है 20,000 रुपए और प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट दिया है कितना, 10,000 रुपए मिला इतना आपको। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ये पता कर रहे थे कि होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, है ना, ए लिमिटेड। उसके बाद हमारा सब्सिडरी कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी का नाम, सब्सिडरी कंपनी का नाम है बी लिमिटेड। ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के बाद नोट नंबर 2, कितने शेयर खरीदा है, 400 शेयर था कितना उसके पास, ये तो नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कितना है यहां पे, ये देखिएगा आप लोग वीडियो में, 50,000 शेयर है। ठीक है, कितने रुपए वाला, 100 रुपए वाला, मैं 50,000 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा यहां पे 500 शेयर आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड पर कितना शेयर है, टोटल है 50,000 रुपए से कैपिटल है बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, और बाजू में लिखा है 100 रुपए वाला, मतलब कितना हो गया, 500 शेयर। और नीचे एडजस्टमेंट में तो पढ़े थे हम लोग कि 30 जुलाई 2020 को कितना शेयर खरीदा है, 400 शेयर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ने कितना परसेंटेज शेयर खरीदा, यहां देखता हूं मैं, 400 शेयर खरीदा है, था कितना उसके पास, कंपनी के पास 500 शेयर है, इनटू 100 करेंगे तो 80% आएगा, कितना 80%, यहां तक क्लियर आपको। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे वर्किंग नोट बनाते हैं। इसके बाद हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, दिखा है कि 30 जुलाई से कंपनी ने खरीदा है, तो नॉर्मली अगर हम लोग को इस समय का प्रॉफिट और जनरल रिटर्न दिया रहता है, तो मैं लिखता कि 1 अप्रैल से 30 जुलाई, 4 महीना प्री पीरियड और 8 महीना पोस्ट पीरियड में लिखता, लेकिन हम लोग यहां पे नहीं लिखेंगे इस समय, क्यों, क्योंकि जिस समय पैसे मतलब कंपनी में पैसे लगाए, कंपनी खरीदे 400 शेयर, उस समय कंपनी के पास में जनरल रिजर्व 20,000 और 10,000 दिया हुआ है, दिया हुआ तो हमको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत वहां पे नहीं है, पोस्ट पीरियड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। देखो बैलेंस शीट में बी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया 12,500 रुपए, मिला आपको 12,500 रुपए। ठीक है, कितना है, 12,500 रुपए, और हमको लिखा था कि पहले से 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड सॉरी प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपए, क्वेश्चन बोले ना क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, यानी तो मैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो बाकी कितना हो गया, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 25,000 प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2500, 2,500 रुपए। ठीक है, 12,500 को दो पार्ट में बांट दिए, एज इट इज जनरल रिजर्व भी, पॉइंट नंबर 4, टोटल जनरल रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड कितना है, देखो बी लिमिटेड का जनरल रिजर्व 25,000,
ठीक है, यह है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए प्री अपोस्ट में बांट देते हैं, ठीक है, प्री एक्विजिशन शॉर्टकट में जनरल रिजर्व को रिजर्व लिख देता हूं मैं, रिजर्व। क्वेश्चन में 20,000 दिया था, ये 20,000 तो कितना हो जाएगा, 5,000 पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 5,000 रुपए। क्वेश्चन में दिया था नीचे में 20,000 रुपए पहले से था, अंदर में दिया 25,000 है टोटल साल के लास्ट में, तो पहले का 20,000 तो अभी का 5,000। इतना क्लियर है आप लोग को वर्किंग नोट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा वर्किंग नोट चेंज करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 तक हो गया आपका। पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल रिजर्व, शॉर्ट में मैंने कैपिटल रिजर्व छोटा सा लिख दिया, ठीक है। ठीक है, आ रहा पूरा कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखते हम लोग कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कितने खरीदे, 1,00,000 रुपए खरीदे ना, क्वेश्चन में 1,00,000 दिया था नीचे में, बैलेंस शीट नीचे में 1,00,000 रुपए दिया था लेस, ठीक है। कितना परसेंट, 80%, ठीक है, 80% फेस वैल्यू, मैंने जितना कॉपी में आपके जगह को उतना ही बड़ा खींचा होगा, ठीक है, फेस वैल्यू शेयर ऑफ बी लिमिटेड, इतना आता होगा आपकी कॉपी में, ठीक है। कितना दिया है, 50,000 दिया है। देखो मैं 400 जो शेयर है, 400 को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करूं 100 रुपए से तो भी 40,000 आएगा, या फिर मैं 50,000 का 80% निकाल दूं तो भी कितना आएगा, 40,000 आएगा। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्री प्रॉफिट है प्री रिजर्व उसका भी 80% प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, ठीक है, कितना है टोटल हमारा ये 10,000, 10,000 का 80% 8,000 रुपए, ठीक है, कितना है क्या 8,000 रुपए। थर्ड पॉइंट हमारा 80% जैसे प्री प्रॉफिट था प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड कितना, ये 20,000 है, 20,000 का हमको निकाला है 80% जो कि आएगा 16,000 रुपए। क्या इस क्वेश्चन में गुडविल वगैरह दिया बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड ने गुडविल दिया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो बस हमारा ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते कितना है हमारा ये, चलिए ठीक है, 40,000 48,000 और 16,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 36,000 रुपीज। क्या आंसर आया, गुडविल का आंसर आया, नहीं दिया है, चलिए ठीक है, इसका आंसर दिया नहीं तो 36,000 आ गया हमारा गुडविल। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ठीक है, निकाल लेते हम लोग। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड ऑफ बी लिमिटेड, इसका 80% फेस वैल्यू ये रख लिया था, तो 20% फेस वैल्यू शेयर ऑफ बी लिमिटेड है ना, शेयर ऑफ बी लिमिटेड 20% ना, कितना था टोटल 50,000 का 80% ये रख लिया, 50,000 का 20%
ये 10,000 रुपए, क्लियर। अब उसको प्री प्रॉफिट से पोस्ट प्रॉफिट से मतलब नहीं, उसको टोटल प्रॉफिट से मतलब है, माइनॉरिटी वाले मतलब उसको प्री पोस्ट से कोई मतलब नहीं है ना, उसको टोटल से मतलब है, ठीक है। तो प्लस करके या ऐड लिख सकते हो आप, ऐड 20% टोटल प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, कितना भी है टोटल प्रॉफिट उसका 12,500 का 20%, 2,500 रुपए, ठीक है। फिर से ऐड, एक मिनट वीडियो में कवर हो रहा है, ये आ रहा है पर थोड़ा सा छोटा जाएगा ये, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब आ जाएगा सारा नोट्स, ठीक है। चलिए 20% टोटल जनरल रिजर्व ऑफ या टोटल रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड कितना भैया इसका टोटल रिजर्व 25,000 का 20%, 5,000 रुपए, और ऐड करेंगे तो 17,500 रुपए। इसका आंसर दिया है 17,500, मतलब हम सही जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद प्री प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट है, पोस्ट रिजर्व है, तो दोनों का पोस्ट अगर दिया है तो दोनों का कंसोलिडेशन भी बनेगा, रिजर्व का भी और प्रॉफिट का भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या नाम है उसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इसका ए लिमिटेड है, कितना दिया बेटा ए लिमिटेड का प्रॉफिट, देखो ए लिमिटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ए लिमिटेड प्रॉफिट दिया है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 दिया है। फिर उसके बाद एड 80%, देखो ये 10,000 किसमें आ गया था, ईयर एंड नोट्स में आ गया था 10,000, ये 12,500 इसमें आ गया, 2,500 रुपए इसमें आ जाएगा, 80% पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड कितना, 2,500 का 80% कितना आएगा, 2,000 रुपए का, आई थिंक कितना आएगा, देखो निकालो बेटा कितना आ रहा है, कितना ही आएगा, टोटल हो जाएगा 27,000 रुपए, ठीक है। जैसे इसका निकाले हैं कंसोलिडेटेड वाला, वैसे उसका भी निकालेंगे हम लोग ना, इसका रिजर्व का, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 हो गया ये, पॉइंट नंबर 8 देख लेते हम लोग, ठीक है। सबसे पहले जनरल रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड जनरल रिजर्व कितना है 50,000, ए लिमिटेड जनरल रिजर्व कितना है 50,000 रुपए, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे बी लिमिटेड का 80% पोस्ट जनरल रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड कितना भी है इसका 5,000 का 80% 4,000 रुपए, ठीक है, 4,000 ऐड कर दिया कितना जाएगा 54,000 रुपीज, 54,000 रुपए, 54,000 रुपीज, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इसको मिटा के ना मैं इसका नाम बैलेंस शीट बताता हूं, आप लोग अमाउंट ध्यान में रखना, ठीक है।
जैसे इसका माइनोरिटी इंटरेस्ट है 17,500, ये 36,000, और ये आपका है कंसोलिडेशन स्टेटमेंट 27,000 और वो 54,000, जैसे इसका डबल 36-17%। ठीक है, ये चार अमाउंट को ध्यान में रखना है ना। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं नोट्स अकाउंट बना लेते हैं पहले हम लोग, है ना, लास्ट में बनाएंगे फिर हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट देख लो। ठीक है, चलिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर वन शेयर कैपिटल किसका आएगा, ए लिमिटेड का। ठीक है, क्या दिया देखो वहां पे क्वेश्चन में लिखा है शेयर्स ऑफ 100 रुपीज इच फुल्ली पेड, ये लिखा है, आप भी वही लिख दो शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इच फुल्ली पेड कितना है, 1,00,000 रुपए सिर्फ ए लिमिटेड का ना, क्योंकि बी लिमिटेड में तो गुडविल आया था, गुडविल। ठीक है, चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर टू आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में आएगा सबसे पहले कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना था ये, 27,000 आया था आई थिंक, है ना, इसके बाद देखो ये 54,000 रुपए, जिसने फोटो खींचा देख लो भैया। ठीक है, फिर कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ दिया था क्या रिजर्व सरप्लस में, नहीं दिया था, हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है मैं एक बार दिखाता हूं वीडियो में, ये हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है। सबसे पहले शेयर कैपिटल का मैंने डाल दिया ये 1,00,000 रुपए, जनरल रिजर्व इसका दोनों को लिख दिया मैंने, नोट्स टू अभी अकाउंट बना रहे, बैलेंस शीट नहीं बना रहे। फिर करेंट लाइबिलिटी में लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, इसका 1,50,000 और इसका 50,000 है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में आया है ड्यू टू बी लिमिटेड, और यहां लिखा है ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड, यहां 10,000 यहां 10,000 दिख रहा है, ये 10,000 ये 10,000 दिख रहा है, क्या मतलब है इसका मैं बताऊंगा आपको ना। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ट्रेड पेबल का निकाल लेते हैं, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स दोनों का, है ना, दोनों का मिला के इसका ए लिमिटेड, अच्छा इसका मैं टोटल नहीं किया ना, टोटल कर लेता हूं। ठीक है, कितना आया 81। ठीक है, ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का ट्रेड पेबल कितना दिया है आप लोग देख लो, 1,50,000 और 50,000, टोटल कितना हो जाएगा 2,00,000 रुपए। ठीक है, ये 1,50,000 और ये 50,000, टोटल हो गया आपका 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर क्या लिखा, ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम, ड्यू टू बी लिमिटेड, किसके में पैसा लिखा है ए लिमिटेड के में लिखा हुआ है, ड्यू टू बी लिमिटेड किसके में लिखा है, ए लिमिटेड के में लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि मुझे बी लिमिटेड को पैसा देना है, कितना 10,000। नीचे में बी लिमिटेड क्या बोल रहा है, नीचे में बी लिमिटेड के में लिखा है 10,000 रुपए, लिखा है ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड, वो बोल रहा है कि मुझे वो अपने एसेट में क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है अपने एसेट में कि मुझे ए से 10,000 रुपए लेना है, और ए अपनी लाइबिलिटी में क्या बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपए देना है। ठीक है, ये कब की कहानी थी, ये कहानी जब ये दोनों एक दूसरे से पैसा नहीं लगाए थे तब के थे, अभी दोनों एक दूसरे से पैसा लगा चुके हैं तो दोनों भाई भाई बन गए। अब भाई भाई हो गए तो पहले इनको पता नहीं था कि करण अर्जुन दोनों भाई भाई हैं, अभी पता कि करण अर्जुन भाई भाई हैं, तो 10,000 रुपए एक दूसरे से नहीं मांग सकते, भाई भाई हो गए ना, एक ही कंपनी हो गए, तो कितना है ये 10,000 माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटर कंपनी
ट्रांजेक्शन, कहाँ था भाई ये मार्कर इतनी देर से जेब में था, पर वो बहुत सारे मार्कर में दब गया था। 10,000 पर पूरा एडजस्ट हो जाएगा और यह आ जाएगा हमारा नील, ठीक है। नोट नंबर 5, चलिए नोट नंबर 5 देख लेते क्या दिया हुआ है। अब हम लोग एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में बिल्डिंग दिया 50,000, ए का दिया है, बी का दिया नहीं है, तो चुपचाप लिख देते हैं हमें बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग इसका ए लिमिटेड का कितना 50,000 रुपए, और यहीं पे दो लाइन खींच दिया मैंने, खत्म इसके यहीं पे। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 हमारा दिया हुआ है मशीनरी 30,000 और 60,000 रुपए, ये लिख दिया हम लोग मशीनरी ए लिमिटेड बी लिमिटेड 30,000 और 60,000 ना, 30,000 60,000 टोटल हो गया 90,000 रुपीज, 90,000, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, फर्नीचर भी 20,000 10,000, ठीक है। फर्नीचर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड का कितना है 30 और 20,000 10,000 ना, 20,000 10,000 टोटल हो गया आपका 30,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा 30,000 रुपए हमारा हो गया फर्नीचर, ठीक है। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखा शेयर इन बी लिमिटेड, वो बी लिमिटेड इसका 1,00,000 रुपए और उधर उसका जो रिजर्व प्रॉफिट था सब तो गुडविल के वैल्यूएशन में आ गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर यहां पे 8, मार्कर तो सूख गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 मार्कर सूख चुका है। पॉइंट नंबर 8 दिया है इन्वेंट्रीज, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 इन्वेंट्रीज हो गया, दोनों को जोड़ देना। पॉइंट नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल, दोनों को जोड़ देना। पॉइंट नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भी जोड़ देना। पॉइंट नंबर 11 ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अपने में क्या लिखा है कि मुझे पैसा लेना है किसे ए लिमिटेड से, कितना 10,000 रुपए, फिर माइनस कर दे जैसे यहां 10,000 माइनस किया था वैसे यहां पे भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कितना 10,000 रुपए माइनस कर दो, इसका भी आ जाएगा ये नील, ठीक है। इस तरह से 8, 9, 10 बना लेना, ठीक है, वर्किंग नोट। अब इसके बाद बना लेते हम लोग बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हम लोग इसको, चलिए हम लोग बना लेते बैलेंस शीट, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डेट डालेंगे एज ऑन 31st March 2021, ठीक है। ये हमारा अमाउंट का कॉलम, ये नोट नंबर का कॉलम और ये हमारा बैलेंस शीट का पर्टिकुलर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर और ये अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डालते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल लेटर में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज कैपिटल लेटर में ना, ई और एस, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर ए करके शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स एस करके से फिर फंड्स, फिर इसमें दो चीज आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, आप इसको स्मॉल ए स्मॉल बी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 1,00,000 रुपए शेयर कैपिटल है और ये 81,000 रुपए हमारा रिजर्व सरप्लस सारा चीज है, ठीक है। चलिए नोट नंबर 1 में था 1,00,000 रुपए, ठीक है, ये नोट नंबर 1 1,00,000 रुपए, नोट नंबर 2 81,000 रुपीज,
ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, यहाँ पे आता है एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसको लिखा हम नोट नंबर 3 मत डालो, क्योंकि 3 तो दूसरा है, नोट नंबर डालो कितने दिया, 17,500 रुपए ना, ठीक है, वो वर्किंग नोट बना था, उसको ये लिख सकते हो नोट, वर्किंग नोट करके ऐसे डब्ल्यू एन करके लिख सकते हो आप, डब्ल्यू एन क्या था वो, 7 था, डब्ल्यू एन 6 लिख सकते हो उसको भले आप, ठीक है। फिर उसके बाद बी पॉइंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी है नहीं, जिसमें डिबेंचर होता है, बैंक लोन होता है, जो बड़े बड़े लोन होते हैं वो है नहीं, करेंट लायबिलिटी है लेकिन, है ना, करेंट लायबिलिटी में दो चीजें थी, एक था ट्रेड पेबल, ठीक है, जिसका हम नोट्स बनाए थे, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, और एक था ड्यू टू बी लिमिटेड, दो चीजें थी, ठीक है, ट्रेड पेबल का था वर्किंग नोट नंबर 3 और इसका था वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, ट्रेड पेबल कितना था 2,00,000, ठीक है, और ये कितना था नील, नील हो गया था, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं हम लोग, और कुछ छूटा क्या, नहीं, चलिए ऐड कर देते हैं, चलिए ठीक है, चलिए हम लोग टोटल कर देते हैं, यहाँ पे कितना 390,8,500 आ गया आंसर बुक का, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 1 बैलेंस है, यहाँ पे 2 एसेट्स, ठीक है, एसेट में सबसे पहले यहाँ पे ए पॉइंट, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट में आता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट को दो पार्ट में बांट देते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। ये जो हमारा है नॉन करेंट भी दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा यहां पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था उसके तो बांट दिया उन्होंने, गुडविल आया था उसी के बदले, ठीक है। फिक्स्ड एसेट दो पार्ट में बढ़ता है, नॉन करेंट भी दो पार्ट में बढ़ता है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स में आता है पर उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिक्स्ड एसेट को दो पार्ट में बांटेंगे, थोड़ा सा गैप देखें, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सा था, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, 3 चीज आएंगे यहां पे, बिल्डिंग मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है, ये टेंजिबल एसेट्स के नीचे हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप इसको नीचे कर लिया जाए, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। बिल्डिंग का नोट नंबर क्या है, 5, इसका 6 और इसका 7, बिल्डिंग कितना था आपका 50,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 30,000, ठीक है, 50,000, 90,000 और ये 30,000, ठीक है। अब टेंजिबल के नीचे में यहां पे इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल में आपका आएगा गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इनटेंजिबल में क्या जाएगा आपका गुडविल। इसके लिए बनाए थे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 था आई थिंक, है ना, वर्किंग नोट नंबर 5 कितना आया था, 36,000 रुपीज, ठीक है। चलिए हो गया ये, अब नॉन करेंट हो गया, नॉन करेंट के बाद अब आपका आएगा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, अब हमारा आ जाएगा करेंट एसेट, ठीक है, बी पॉइंट करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट में भी क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड, जैसे ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड किए हैं नील, वैसे उसको पूरा चारों को लिख देना, ठीक है, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद आप लोग का बन जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, जितना भी अमाउंट यहाँ पे जो भी आता है ना यहाँ पे, वो सारी चीज को यहाँ पे डाल देना, ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड तो नील आएगा, टोटल आ जाएगा आपका 398 आ जाएगा आंसर, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।